फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जे सुजन एकेडमी पर। तो कैसी है तैयारी आप सभी का? हम बात कर रहे हैं सीजी लैब टेक्नीशियन मतलब प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा 2024। अब केवल कुछ घंटे ही शेष आपके पास रह चुके हैं। कल लगभग 2 बजे से 2:15 बजे आपका 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट है और इसमें हम देखें कि परीक्षा में सही तुक्का कैसे लगाएं। 100 मार्क्स का है, कितने मार्क्स तक करें हम सिलेक्शन के लिए, हमारी विशेष रणनीति क्या हो, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में पूरा। तो पूरी ये जानकारी जरूर देखिएगा, कम समय में ही देखेंगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी के अभाव में हम बहुत सारा चीज़ कभी कभी कुछ गलत कर जाते हैं। तो कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं वही बड़ा भी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। देखिए ये न्यूज़पेपर की जानकारी आप देख पा रहे होंगे कि प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा के लिए नया प्रवेश पत्र मान्य होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए मैं पुनः बता दूं आपको, क्योंकि आप परीक्षा में कल शामिल होने जा रहे हैं और आपके पास पुराना एडमिट कार्ड है तो वो मान्य नहीं होगा। आपको नए तरीके से न्यू एडमिट कार्ड अपलोड हो गया है व्यापम के साइट में, वहाँ जाकर के आपको अपलोड जो नया वाला एडमिट कार्ड जारी हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हुआ था और 6 तारीख को एग्ज़ाम है, कल आपका एग्ज़ाम है। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप नए प्रवेश पत्र जरूर डाउनलोड कर लें। दूसरी बात यह है कि आइडेंटिटी कार्ड के रूप में जो आइडेंटिटी आईडी प्रूफ होगा आपका, वो ओरिजिनल या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर के जाएं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी जो है नवरात्रि का महीना चल रहा है इसलिए थोड़ा शोरगुल हो रहा है, इसे आप ध्यान ना दें। आप अपने रणनीति की बात को लेकर के सोचें कि हमारा एग्ज़ाम में रणनीति क्या हो। आइए देखते हैं 100 मार्क्स के होंगे, अब हम कैसे लगाएँ, कैसे क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन करें। तो इसमें 60 मार्क्स जो होंगे आपके सब्जेक्ट से होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, होम साइंस, भारत का भूगोल और पर्यावरण, ये होगा 10-10 नंबर का, मतलब 60 नंबर का आपके सब्जेक्ट से आएंगे। अब देखिए हमारी रणनीति क्या हो, तो यहाँ बात करने वाले हैं 60 नंबर का। तो इस 60 नंबर में कम से कम अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इसमें 45 क्वेश्चन कर ही लीजिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का है। अब रणनीति क्या हो, देखिए जब व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम आप देखे होंगे तो कभी कभी किस तरह से आंसर ले जाता है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 और 4 इस तरह से क्रम है आपका, मान लीजिए 10, 12, 15, 25, 60 तक। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी आंसर देखिएगा ए ऑप्शन लिया जाता है, मान लीजिए मैं उदाहरण बता रहा हूँ, या हम ए ऑप्शन है तो 2 में भी ये रहता है और इसी तरह से 3 में भी ये रहता है और 4 में भी ये रहता है। कभी कभी ऑप्शन अगर बी ले लिया गया तो बी यहाँ भी रहता है, बी यहाँ भी रहता है, लगातार 4 बी देखने को मिलता है। कभी कभी ऑप्शन बी सी डी इस रूप में भी देखने को मिलता है। तो अगर आपको आंसर पता नहीं है तो वही चीज़ मैं थंबनेल में बताया हूँ कि सही तुक्का कैसे लगाएं। तो जैसे पहला ऑप्शन ए है तो कभी कभी ये 3 ऑप्शन भी ए रहते हैं। अगर आपको 50% लगता है, आपको पता नहीं है, तब कैसे हम आंसर लगाएं वहाँ पर, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग भी है तो बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग नहीं है, रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क कैसे लें, अगर 50% आपको लगता है कि 2 का A आएगा तो आपको अगर 3रा का पता नहीं है और 4 का A आ रहा है तो लगभग समझ लीजिए कि ये तीनों A ही होगा। तो ऐसे आप एक आंसर जो है रिस्क ले सकते हैं, और आपको 50% पता है तो ज़रूर ले लीजिए ये 4ों को, क्योंकि कभी कभी जो है ऑप्शन में जो आंसर दिया रहता है वो लगभग जो है एक टाइप का रहता है, ए है तो 4 बार A, ए है तो कभी कभी 4 बार A, और कभी ए सी बी ऐसा भी रहता है। तो एकदम सबको नहीं लेना है, जहाँ पर आपको पता नहीं है वहाँ पर आपको लेना है। ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जैसे मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं, जैसे सी जी जी के की बात करते हैं, मान लीजिए सी जी जी के है, अगर सी जी जी के आपके 20 मार्क्स के हैं, उसके बाद 20 मार्क्स के बाद अगर हम देखें कि कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर भी आपके 20 मार्क्स के हैं, मतलब इस तरह से 40 मार्क्स हो गए टोटल। इधर देखते हैं आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये जो है आपके 60 मार्क्स के हैं, दोनों टोटल काउंट करेंगे तो आपका 100 मार्क्स होते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो सीजी है, सीजी जीके जो है, तो ये सीजी जीके हमारे 20 मार्क्स में है, तो 20 मार्क्स में इसमें आप ध्यान रखिएगा भारत का भूगोल, भारत का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूगोल भी शामिल है। तो अब क्या करें, हम इस 20 में कम से कम 12 क्वेश्चन करने की कोशिश करें। पहला हमारा 45 क्वेश्चन हुआ, दूसरे में हम 12 से 15 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करें, अगर 12 भी कर लेते हैं तो काफ़ी है। कंप्यूटर में हम कोशिश करें कि 20 नंबर में 12 यहाँ भी ले आएँ, तो टोटल जोड़िए 5, 2, 7, 2, 9
और 4151669, मतलब लगभग राउंड फिगर हम मान के चलते हैं कि 70 नंबर मार्क्स अगर हम ले आते हैं, मतलब 65 से 70, ये तो आपके एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, उस पर डिपेंड करेगा। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है, थोड़ा सरल ज़्यादा होते हैं, मतलब सरल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उस स्थिति में कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। अगर कठिन क्वेश्चन है तो कट ऑफ कम जाता है। तो हम 65 से 70 लेकर के चलते हैं, कि हम ये सोच करके चलें कि 65 से 70 क्वेश्चन हमको करना है। और 65 से 75 की रणनीति यही है कि पहला पार्ट में 45 कोशिश करिए कि 45 बने, दूसरे में 12 बने, तीसरे में 12 बने, तो भी काफ़ी अच्छा होगा। अब 12 कहने का मतलब 12 ही नहीं होगा, किसी में आप 15 भी कर सकते हैं, किसी में 13 भी कर सकते हैं। तो लगभग मान के चलिए अगर 70 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, और इसी रणनीति के साथ आपको एग्ज़ाम देना है। फिर से मैं एक बार बता दूँ कि अगर हम अब मान लीजिए CJEE के खंड में चले गए तो 61वां नंबर से शुरू होता है, 61, 62, 63 इस तरह से। तो मैं शुरू भी बता चुका हूँ आपको, हमको मान लीजिए इसमें डी ऑप्शन है, तो कभी कभी डी लिया है तो इस तरह से चारों भी डी आता है, कभी कभी ACDA इस तरह से भी रहता है, तो एकदम आँख मूंद करके ये DD नहीं लेना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको डी आंसर, एक चीज़ का आंसर पता है हमको कि कन्फर्म 61 का आंसर डी है, चाहे क्वेश्चन जो भी हो। तो बाकी आंसर हमको 50% अगर लग रहा है कि इसका भी डी आएगा, तो लगभग अगर ऐसा लगता है तो आंसर हम DD ले सकते हैं। तो इस तरह से, ऐसा नहीं कि सभी को तुक्का नहीं लें, अगर आपको 50% लगता है तो आप ज़रूर ले सकते हैं रिस्क, क्योंकि 1/4 है। और अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं तो 100 क्वेश्चन में कम से कम हम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जब 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो मान लीजिए थोड़ा मोड़ा 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत भी निकलेगा तो भी हमारे क्वेश्चन काफ़ी सही आ सकते हैं। और 1/4 माइनस मार्किंग है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक क्वेश्चन सही करके 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तब माइनस होगा, तब जो है 0 में चला जाएगा। तो ये रणनीति ज़रूर अपनाएं आप लोग, आप अपने से भी अपना तैयारी परखें, आप जो तैयारी की है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ये केवल हमारा एक लॉजिक है बताने का, ऐसा ये नहीं है कि आप इसी तरीका से एग्ज़ाम बनाएं, ऐसा बताने का उद्देश्य नहीं है कि आप एक ऑप्शन डी है तो सभी को डी ले, ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं। मेरे कहने का मतलब है अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर डी है और 4 ऑप्शन नीचे में दिया गया, आपको लगता है कि डी ही आ रहा है, तब आपको लेना है, अन्यथा हो सकता है DA, D के बाद AC भी आ सकता है, BB आ सकता है। तो आप देख करके आंसर लें। और कल जो है सुबह आपको जो है साइंस पे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और कोशिश की जाएगी कि आपके करंट अफेयर में भी क्वेश्चन कुछ देखने को आपको मिले, मतलब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब 2 वीडियो डाल सकता है, 1 सुबह डाल सकता है और 1 जो है 2 बजे से पहले डलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ ही घंटे शेष रह चुके हैं, तो शुभकामनाओं।